क्या किसी डाइट प्लान से किसी भी बीमारी को क्योर किया जा सकता है या उस बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स को थोड़ा कम किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। जो रोल किसी भी बीमारी के लिए मेडिसिन का होता है, उतना ही रोल एक डाइट का होता है जो उस बीमारी के दौरान खाई जाती है। तो वेलकम है हमारे चैनल मेडिकल एजुकेशन विद डॉक्टर प्रदीप, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे डाइट प्लान की जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी गठिया के लिए। गठिया के मरीज जब भी डॉक्टर के पास आते हैं तो उससे पहले वो कोई ना कोई डाइट प्लान ले रहे होते हैं। वैसे तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, लेकिन इसके बारे में खूब सारी भ्रांतियाँ यानी रूमर्स समाज में फैले रहते हैं। तो जो व्यक्ति रूमेटॉइड अर्थराइटिस से पॉजिटिव आता है यानी उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस आता है, तो वो सबसे पहले अपने आम जन से ही जानने की कोशिश करता है कि उसे क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए। तो जो बात मैं आज आपको बताऊंगा ये टोटल रिसर्च के साथ है, जिसके ऊपर रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है या आपके किसी ना किसी तरीके से इसको साइंटिफिकली भी प्रूवन है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें खट्टा खाने से, यानी वो दही टमाटर या नींबू वगैरह कुछ भी खाते हैं तो उन्हें रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, और कुछ में ये बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये पेशेंट स्पेसिफिक डाइट आती है, जिसके अंदर अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक डाइट या एक स्पेसिफिक फूड खाने से आपके सिम्टम बढ़ते हैं तो उसे छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दही खाने से सबको ही दर्द होगा, सबके जॉइंट्स पेन होगा, लेकिन अगर आपको दही खाने से पर्टिकुलर पेन होता है तो आपको वो नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो क्या नहीं खाने में वो पांच ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं या कम मात्रा में यूज़ करने हैं। तो पहला है मीट प्रोडक्ट। आप मीट प्रोडक्ट्स आपने बिल्कुल नहीं खाने, लेकिन अगर आपकी डाइट में फिश है तो आप फिश खा सकते हैं। दूसरा है आपको डेयरी प्रोडक्ट्स कम से कम इस्तेमाल करने हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप स्किम्ड मिल्क और आप देसी घी खा सकते हैं। तीन ऐसे प्रोडक्ट जिनको आपकी डाइट से आपने बिल्कुल हटा देना है, उनमें तीनों हैं रिफाइंड शुगर, मैदा और रिफाइंड ऑयल। ये आपकी डाइट में बिल्कुल भी शुमार नहीं होने चाहिए। अब आप क्या खाएं इस बात को भी हम देख लेते हैं। पहली चीज़ है नट्स आपको आपकी डाइट में डेली शामिल करने चाहिए, क्योंकि नट्स से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, जिससे वो एंटी इन्फ्लामेटरी का काम यानी आपके जोड़ों में जो सूजन आ जाती है उसको भी कम करने का काम करते हैं। इसके अलावा आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, सीजनल फ्रूट खाने चाहिए, मल्टीग्रेन से बनी हुई रोटी आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। बैलेंस डाइट के तौर पे आपको प्रोटीन पूरा करने के लिए आपको टोफू और दालें खानी चाहिए। हमने ये देखा है उड़द की दाल कम से कम खानी चाहिए, क्योंकि उड़द की दाल खाने के बाद जो पेशेंट्स हैं उनमें सिम्टम्स कुछ बढ़ जाते हैं। शाम के समय आप प्रोटीन थोड़ा कम लीजिए, आपकी डाइट में आप प्रोटीन को लंच के अंदर शामिल कीजिए। दूसरा, आप अपनी डाइट जो है वो तीन बार की बजाय 5 बार में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी जितना खाना आप 3 टाइम में खा रहे थे उतना ही खाना आप 5 टाइम में खाइए। और क्या खाना चाहिए? मोटे अनाज जैसे मिलेट्स, बाजरा, इनका इस्तेमाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और इन चीज़ों को खाने से, मिलेट्स खाने से आपकी बॉडी में आयरन और फोलिक एसिड बढ़ता है, क्योंकि इस बीमारी के दौरान जो दवाई दी जाती है उससे फोलिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज अपनी करनी चाहिए, ताकि आपके जॉइंट्स मजबूत बने रहें, और आपको हाइड्रेशन अपनी बॉडी का कंप्लीट रखना चाहिए। अब कितना पानी पीना चाहिए? पानी आपको 20 किलोग्राम पे 1 लीटर पानी, यानी आपका वेट अगर 60 किलोग्राम है तो आपको 3 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए। और कैसे पीना चाहिए? 1 गिलास पानी को आप बैठकर 10 मिनट के अंदर धीरे धीरे सिप करके, आप जैसे कोई मीठा पेय पदार्थ पीते हैं वैसे ही पानी को कंप्लीट कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। अफवाहों में ना जाएं, अपनी डाइट को बैलेंस्ड और न्यूट्रिएंट से भरा हुआ रखिए, ताकि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो। थैंक यू।